हेलो जी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, और इसी आशा के साथ करता है आज का व्लॉग की शुरुआत कन्नू। आप सभी को हाथ जोड़कर प्रणाम कर रहे हैं, और रेडी हो चुका है कन्नू जाने के लिए अपने स्कूल। और फ्रेश हो जाओ। तो कैसा लग रहा है कन्नू आपको? तैयार हो गया सुबह सुबह? अच्छा पापा जल्दी चल रहा पापा जल्दी छोड़ के आओ। पापा जल्दी तैयार हो जाता है ना तो अच्छा लगता है, और जब लेट हो जाता है तो लेट ही हो जाता है, फिर छोड़ना मुझे पड़ता है स्कूल जाके। अब तो बस आने वाली हो रही कन्नू की, और आज इसको मम्मी ने थोड़ा सा ऊंचा करके लिटा दिया जिससे कि हमको देखती रहे। ये अगर नीचे लेटी रहती है ना तो देखती नहीं है, तो मम्मी ने बहुत सारे तकिए इसके नीचे लगा दिए और रजाई के अंदर इसको बंद कर दिया और चारों तरफ से लपेट दिया, और ऊंचे से हो गई है। खुश अब है यह बिल्कुल। खुश है, अब ये हमें देख रही है, गोद नहीं मांग रही है ना। अब हम इसको सब दिख रही है, कन्नू को भी देख ले रही है, इधर से माँ को भी देख रही है, और मैं खड़ा हूँ इधर, मुझे भी देख रही है ना। आप सबको देख रहे हो मुझे? अब तो कोई जरूरत नहीं है, लेटे लेटे दिखते नहीं थे कोई मुझे, इसीलिए इसीलिए मुझे ऊंचा कर दे मम्मी ने, है ना। हाँ, अब मैं सबको देख रही हूँ, है ना। तो प्यारी सी गुड़िया हमारी बातें करने लगी है, हंगूरी देने लगी है, और पोएम सुनाने लगी है, आलतू फालतू वाली, ऐ बै करके। कौन सी पोएम सुनाती है? मैं बै करके पोएम सुनाती है, असली वाली नहीं सुनाती, अभी इतना ही बोलना आता है हमारी गुड़िया पे, है ना। आवाज लगा लेती है हल्की फुल्की सी, ऐ करके आ करके। जिंगे को कुछ लग लग लगा ले। हाँ, अब लगाएगी आवाज थोड़ी सी, बताओ। अभी कन्नू आ गया, पापा गोदी लो। गद्दी गद्दी क्यों ले वो? पापा वेट करूं माँ। अच्छा, गाड़ी का वेट करेगा, बाहर जाके गोदी ले लो, है ना। और चलो, क्या तैयार नहीं हुआ अभी? लंच तैयार नहीं हुआ है। हाँ, सुनो 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 सुनो, अभी शूज नहीं पहने आपने, देखो गाड़ी आ गई बाहर, अभी शूज नहीं पहने। इधर मैं आया हूँ बॉबी के पास, और पूछने के लिए, बॉबी आज कन्नू का बैग तैयार कर आपने गरम वो कर देगा, मुँह धो दी उसके। हाँ, उसके मुँह धो चुका हूँ बढ़िया तरह से, कपड़े पहन चुका है वो, और बॉबी का भी लंच तैयार नहीं हुआ अब तक सुबह से। लंच तैयार होगा मेरे पापा? नहीं है लंच तैयार, पानी गर्म नहीं हुआ। देखो अभी कुकर की ढक्कन बंद है, सिटी लग रही है, उसमें अभी कुछ नहीं हुआ है ना। और आज बस मुझे लग रहा है शायद एप्पल ही आएगा इसके लिए, और सुबह सुबह नाश्ता, तो नाश्ता कर ही लो कन्नू। अभी देखिए कन्नू ये कह रहा है विभोर कि इसके हाथ में दे दो, ये अभी सो सो के उठ के आए हैं और इसके हाथ में झंझुना पकड़ा रहे हैं। अभी तो मैं वैसे खेल लूंगी तुम्हारे हाथों से ही, अभी अपने हाथों से नहीं खेलने की। हाँ अब देखो, हाँ अच्छा सा तो लगा भाई पानी का, कोई कैसा लगा, ये क्या बज रहा भाई? ये तो मुझे इसकी आवाज़ तो अच्छी लग रही है, मानने का कैसी आवाज़ लग रही है, हैं ना। अभी अपने हाथों से नहीं बजाएगी, अभी तो माँ को बजा के दिखाना पड़ेगा इसको। और कन्नू अपना बैग लेके जा चुका है स्कूल में अकेला, और कन्नू की मम्मी पीछे पीछे रह गई है। बोतल में पानी भरना था वो भी नहीं भरा गया, वो पानी भर रही है। और लंच भी अभी तैयार करना था वो भी नहीं करा गया, और बहुत वो भी लेट है। आज क्या होगा, कन्नू तो सबसे पहले बैग लेके स्कूल चला गया। पापा एक बात बताओ आप, वो तो बैग लेके जाने का काम है उसे तो बस, उसके बैग में बुक, हाँ उसकी बुक तो यही रखी है। जल्दी आपका काम था, मेरा पूरी हाई फाइव फुर्ती में कर रही है, और बेचारा बैग लेके वापसी आ चुका अपना कन्नू। क्या हुआ बेटा? अरे बैग में बुक तो देख लेते, बुक है कि नहीं है? खाली बैग है तो है नहीं है, बुक वहां रखी है। कौन से नंबर की बुक? कैप लगाओ। 8 नंबर की बुक है, चेक करो। मेडिसिन हो चुकी है, अब कन्नू थोड़ा सा मेडिसिन के बाद में पानी पिएगा, और पानी पी के बस स्कूल जाएगा। आजकल कन्नू की भूख थोड़ी कम हो गई है, कन्नू कुछ खा पी नहीं रहा है ना कन्नू? बस इतना सा पानी। चलो आप चलो बाहर वेट करो, मैं आपका बैग लेके आता हूँ। बोतल कौन रखेगा? हैं? पापा कुकर मम्मी। अच्छा पापा करेगा, आप बता दो कर लिया। पिताजी तभी बैठे हैं, इंतजार कर रहे हैं। बोबी ने मुझे लंच बना के दे दिया, पर मैंने लंच नहीं किया है क्योंकि मुझे खाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा। आपने लंच तो ले लिया? हाँ लंच तो ले लिया, नाश्ता नहीं किया मेरा, लंच मेरे मुंह से लंच ही निकला है, वो भी नाश्ता निकलता ही नहीं। तो मुझे ऐसा है, मुझे ना नाश्ता खाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा नाश्ता करने का, और बोबी को लगती है जबरदस्त भूख। बोबी ने सुबह सुबह स्टैंडर्ड नाश्ता कर रही है अपना, हाथ में खड़ी होके, बैठ के भी नहीं खड़ी होकर कर रही है। क्या देख रही है? बैठ के करो खाया, खड़े होके बात एक ही है। चलते, चलते फिरते खाना और नाश्ता कर रही है, और मैं रेडी हो गया, मैंने जैकेट ऊपर डाल लिया, और आज मौसम बहुत ठीक है, इतना ज़्यादा ख़राब नहीं है। तो अपने ऑफिस निकलते हैं, और मम्मी को ये आपका नाश्ता लो,
आज खाना जो भी आप कन्नू कहते ना, हो कन्नू आज मेरे वाला लेके चले गया, कहना के लेके जाना मुझे पापे वाला, तो पापे वाला, वाला पापी वाला कहता है कि पापी वाला टिफिन लेके जाना, वो टिफिन लेके चला गया मेरा, अब उसका मुझे मिल गया तो चलो उसका मैं लेके जाता हूँ। और आप कह रहे हैं आज डबल पराठे बना दिए, डबल हमारा ठीक है, और डबल पराठे तो बनाए हैं मैंने और देसी घी के बनाए जैसे उसे बना के देती हूँ, ठीक है बढ़िया है, चल ठीक है फिर चलता हूँ मैं, बस चलो अभी दोपहर का समय हो गया है, दोपहर में सारा का सारा काम जो है निमट गया है, झाड़ू पोछा सबने खाना वाना भी खा लिया है, और अभी बस मम्मी है ना उसको ले रही थी वानिका को, तो अभी अंशी ने ले लिया उसको और अंशी उसको घुमा रही है, कभी ये खेलती है तो इतनी खेलती है बहुत ज़्यादा, और रोती है तो जब भी बहुत ज़्यादा रोती है, और आज ये दूध नहीं पी रही, पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो रही है इसको, इसको पोलीकार्ड की दवाई तो दे दिया है लेकिन बस अब इसको सोलविन पोली की ओर दे देते हैं, कभी से नज़ला जुकाम की वजह से इसको मन नहीं कर रहा हो, अच्छा सा नहीं लग रहा हो, और कन्नू भी स्कूल से आ गया, ये देखिए बैग उसका यहाँ पे रखा है, होमवर्क कराना था उसको, होमवर्क का बहाना मार के अपने दोस्तों के पास घूमने के लिए चला गया है, और मैं कह रही हूँ मम्मी को मम्मी उसको ले आओ, तो मम्मी कहने लगी मैं देख करके तो आई हूँ यहाँ तक पास तक ही इनके घर तक, पड़ोसियों के हमारे यहाँ घर तक, तो इनके घर पे तो है नहीं, तो वो उन घेर में चला गया इनके बच्चों के साथ में, तो बस मैंने अभी कपड़े भी उतार लिए हैं यहाँ से, और कपड़ों की मुझे तय बनानी है और बर्तन बर्तन साफ करने हैं, और वानिका को लेकर रखेगी जब तक अंशी है भाई। बाबू जी खुश हो क्या, खुश हो आप? खुश है वानिका, इसे तो गुस्सा आ रहा, पता नहीं किस बात पे गुस्सा आ रहा, जब से पतीली है ना टांड पे रखी थी बहुत ही काली हो रही थी, और इसमें है ना मक्खन बिलो बिलो के, मलाई बिलो बिलो के, और बिल्कुल चमक आ गई इसमें, तो फिर भी है ना बहुत दिन हो गए थे, 15 दिन तो हो ही गई खैरी से, मलाई को इकट्ठी करने में तो एक बार धो के ले आऊ इसे, तो मैंने यहाँ पे है ना हमारे गिड़गम तो है नहीं, गिड़गम क्यों नहीं है क्योंकि डंगर ही नहीं है, तो ये उसकी गैस की प्लेट उतार के ले आई, प्लेट के ऊपर रख दूंगी ना, तो पतीली हिले डुलने की नहीं बिल्कुल भी, और पानी में इसमें पहले से भर के लिया है, और आज मैंने है ना इसमें बर्फ ना डालना पड़े इसलिए फ्रिज में रख दिया था, क्योंकि बर्फ का मट्ठा भी है ना नुकसान दे रहा है, पतीले में देखो जी बिल्कुल आधी इतने इतनी मलाई है और इतना ही पानी है, इसमें मारी रही आराम से लग जाएगी अब, और अब इसको चला देते हैं और 5 मिनट के अंदर अंदर ही इसमें मक्खन आ जाएगा, ये तो सुन रहे पापा ने बहुत अच्छा आइडिया दिया, इसे प्लेट रखो अभी तो पतीली रख दो, नहीं तो हिलो जा रही, हिलो जा रही, पकड़ के पकड़ के बच्चा दे, पहले इस वाले उस पे करते हैं बटन पे तो कम चलती है, और इस वाले बटन पे करते हैं तो बहुत तेज चला है, और इसे है ना पकड़ने की कोई जरूरत नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है बिल्कुल भी, और बहुत ही अच्छा चल रहा है, अब देख लेती हूँ इसमें एक बार मक्खन आया क्या, घुमाओ देना। अभी इसमें मक्खन आ गया है, ये देखिए दिखाइए जी मक्खन इसमें आ गया है, और बस अब मम्मी इसको निकालने लगी है सारे के सारे मक्खन को, क्या हो क्या हो, ए फॉर एप्पल, गे फॉर गमला, गे 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 से गमला, इसमें मक्खन तो आ गया लेकिन ज्यादा गुला गुला आ रहा ना, तो इसी वजह से थोड़ी सी देर के लिए इसे इस साइड में रख दिया है, यहाँ पे देख रही है मम्मी पाल फैमिली व्लॉग्स, और यहाँ पे अब मुझे करने हैं बर्तन साफ, मैंने यहाँ पे इकट्ठे कर लिए टंकी के नीचे, आज ये देखिए घी जो है पूरी अच्छे तरीके से हो गया है, अब इसके आर पार देखा जा सकता है, और मलाई होने के बाद में यहाँ पे ज़्यादा नहीं लगेगा क्योंकि मैं इसको चलाती रही ना चलाती रही, तो इस वजह से, और नीचे तक देख सकते हैं हम कि इसमें क्या है क्या नहीं है, ज़्यादा नहीं लगा है बहुत ही कम लगा है, आज बनाए हैं मैंने मीठे जमे बिल्कुल काढ़े काढ़े, ये देखिए दूध दूध में बनाए हैं, और देखते हैं सबको खाने में कैसे लगेंगे, और इनके साथ में बनाई है मैंने नमक की रोटियां। इधर आ चुका हूँ मैं ऑफिस से, और आते ही मैं देख रहा हूँ यहाँ पे तो पूरा भीड़ लगा रखी है, और अंशी माँ और हमारी बिटिया, देखो जी बिटिया तो सो रही थी वो तो उठ गई है, और भी और माँ को दिखा रहा है फोन, फोन पे कुछ एक दिखा रहा है वीडियो कोई, जो देख माँ ये माँ को वीडियो दिखा रहा है और सबको दिखा रहा है। हाँ भाई, ये और जी
किसकी वीडियो दिखा रहे हैं? शिवम की। ये शिवम की वीडियो दिखा रहे हैं। और हाँ भाई तुम भी देख लो। अच्छा जी रवि भैया आते दीपावली पे। और इधर कन्नू लगवाया अपने खेल में, ये डब्बा निकाल लिया है। डब्बा निकाल के मुझे लगा शायद कलर करने हैं तुम्हें, आज कलर दे रखे मैडम ने, तो कलर पूरे करने हैं कन्नू, कलर ढूंढ लो अपने। और अंशी इसके कलर तो खो गए कहीं पे, तू ऐसा अपने कलर ला के दे दे, ये होमवर्क पूरा कर लेगा। ठीक है अभी सी ठीक है, ला देगी क्या? ला देगी, चलो ला देगी, चलो हाँ खेल लो जाओ। और इधर देखिए जी मैं दिखाता हूँ आपको, बॉबी कहाँ पर घूम रही है और घूम कर बातें कर रही है। तो बॉबी आपकी बिटिया रोने लगी है, तो वो आपको याद कर रही है, जा रही मैं, चले जाओ। और किससे बात चल रही है? मम्मी से। मम्मी से बात चल रही है। अच्छा सब ठीक ठाक है? सब ठीक ठाक है। इधर पिताजी बैठे हुए टीवी देख रहे हैं, और आज टीवी का मुंह इधर को है, पिताजी का मुंह इधर को, क्या बात कर रहे हैं? हमें तो पता नहीं लगा, हम तो हार खा के थे, वो दोनों गए थे। और कंदू ने एक नई ट्रिक निकाली है पिताजी से छुप के निकलने की, वो यहाँ को आके ना नीचे को बैठ जाता थोड़ा सा, और नीचे को बैठ के कुड्डा होकर जाता छुप के, तभी पिताजी देख ले, पिताजी से देख लेते, ऊपर ऐसा नहीं लगता पिताजी को, पिताजी जब भी देख लेते हैं उसको निकलते हो कि वो निकल गया, और फिर उसके पीछे पीछे हो लेते हैं। तो कन्नू छुप कर जाता है पिताजी से कि पिताजी रास्ते में मिल जाएंगे तो रोक देंगे मुझे। थोड़ी सी देर दूर होते ही है अवेसी और कन्नू लग गए अपने किचन चैट में, और एक किचन खेलने लगे यहाँ पे। और देखिए ये निकाल लिए उन्होंने अपने बर्तन, और अब क्या करोगे आप यहाँ पे? खाना बनाएंगे, खेलोगे? क्या करोगे भाई? किचन चैट खेलेंगे। कभी पढ़ भी ले करो साथ साथ। देखा तुम्हारे से पहले अपना सारा होमवर्क करी आई है लड़की, और तुम्हारे पास आई खेलने के लिए, तुम्हें करने नहीं देने कुछ भी। अब देखो अभी तो टाइम है, कर लेगा? चलो थोड़ा सा ही कर लेना तुम, थोड़ा सा ही बहुत है हमारे लिए। सर ये ताऊ और ताई को कुछ सिखा रहा है, क्या कर रहा है? लिफ्ट बनवाओगा? लिफ्ट बना रहा, कैसे लिफ्ट है? ऊपर तो नीचे उतरेगा तू, तो सब सो जाओ। क्या करेगा? मैं बड़े वाले पे छूऊंगा, तेरे का भी बड़ा कर ला। अच्छा बड़ा बैग पे सोएगा? चलो बड़ा कर दे, ठीक है। फिर ताऊ जी मैं आसमान में चार कलर चले जाओगी, हर टाइम चले ला जाओगी। ताऊ इस टाइम में है टाइम में फिर नीचे जाने वाली जल्दी मिल दिया पानी। अभी इसके अंदर पूरी एनर्जी है, इसलिए ऐसा काम कर रहे हो, है ना? जब एनर्जी डाउन हो जाएगी ना, उसकी नींद आ जाएगी, तो भेज दिया उसे। तो हम यहाँ से इसे खिला रहे मेरी बेटियों को, और वहाँ मेरे बेटे ने लिफ्ट बना दिया है, ताऊ खतर ऊपर घूमने वाले नीचे जाने वाली, उनके कमरे में ही है, उनके कमरे में ही है, और लिफ्ट बना दी। अच्छा जी तो चलो कूद कूद खेल रही है। अच्छा जी चलो खिला लो, कूद कूद के खिला लो ना।